नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लोटा और गिलास में क्या अंतर होता है, किसमें पानी पिया जाए किसमें पानी नहीं पिया जाए, गिलास में आज पानी पीते हैं तो हमारे लिए कौन सी बीमारी हो सकती है, या लोटा में पानी पीते हैं तो क्या होता है, क्या है लोटा और गिलास में। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरी तरीके से, आप ध्यान से सुनिए कितना बार फर्क होता है लोटा और गिलास में पानी पीने से। कभी भी गिलास में पानी ना पिए, भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास नहीं है, ये गिलास जो है विदेशी है, गिलास भारत का नहीं, गिलास यूरोप से आया और यूरोप पुर्तगाल से आया था। ये पुर्तगाली जब से भारत देश में घुसे थे तब से गिलास में हम फंस गए, गिलास अपना नहीं है अपना लोटा है, और लोटा कभी भी देख रेख ही नहीं होता है। वो आप पंडित जी कहते हैं जो बर्तन देख रेख किए है उनका त्याग कीजिए, वो काम के नहीं है, इसीलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना था, लोटा का पानी पीना अच्छा माना जाता है। इस कोर्स में एक गिलास और लोटा के पानी पर चर्चा करेंगे और दोनों में अंतर बताएंगे। सीधा सा ये है कि आपको तो सबको पता ही है कि पानी को जहाँ धारण किया जाए उसमें वैसा ही गुण आते हैं, पानी के इतने कोई गुण नहीं जिसमें डाल दो उससे के गुण आ जाते हैं, दही में मिला दो तो छाछ बन गया और वो दही के गुण ले लेगा, दूध में मिला तो लवण का गुण, लोटे में पानी अगर रखा तो बर्तन का गुण आएगा, तब लोटा गोल है तो उसी का गुण धारण कर लेगा। और अगर थोड़ा भी करे तो आप समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होगा, तो सरफेस टेंशन कम होती है तो हर उस चीज का सरफेस टेंशन कम होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कम सरफेस टेंशन वाली चीज ही आपके लिए लाभदायक है। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज आप लेंगे तो बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। गिलास और लोटा के पानी में अंतर, गिलास के पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह कुएं का पानी वहाँ बोल है, इसलिए सबसे अच्छा आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि सभी स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुएं का ही पानी पीते हैं, ना मिले तो प्यास सहन कर जाते हैं, जहाँ मिलेगा वही पिएंगे, कुएं का पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि कुआं बोल है और उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस टेंशन कम है, और साधु संत अपने साथ जो केसरी की तरह पानी पीने के लिए रखते हैं वो भी लोटे की तरह ही आगे वाली होती है, जो नीचे चित्र में दिखाएंगे और ये देख भी सकते हैं। सरफेस टेंशन कम होने से पानी का गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना, वो गुण कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। आपकी बड़ी आंखें और छोटी आंखें, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन और कचरा उसी में जाके पेट की सफाई के लिए उसको बाहर लाना पड़ता है, तभी संभव है जब कम सरफेस टेंशन वाली पानी आप पी रहे हो। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाली पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाता है। दूसरे तरीके से समझे, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ा सा दूध लें और उस चेहरे पे लगाइए, 5 मिनट बाद रुई से रुई काली हो जाएगी, सिर्फ के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगी। ऐसे दूध बाहर लेकर आया, अब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया, तो आपको बता दें कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम है, तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाया दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दूसरी वस्तु के गुण ले लेता है। इसी एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम कर दिया और त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल आया, यही किया लोटा का पानी पेट में कर रहा है। आपने पेट में पानी डाला तो बड़ी आग और छोटी आग का सरफेस टेंशन कम हुआ और वो खुल गई, और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया, जिससे आपकी आग बिल्कुल साफ हो गई। अब इसके विपरीत अगर आप गिलास हाई सरफेस टेंशन का पानी देंगे तो माथे सुखड़ेंगे, क्योंकि तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ते समय चीज सुखड़ती है और तनाव कम होते समय चीज खोलती है। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर जमा हो जाएगा और वही कचरा भगंदर बाब से मूल लिवाद जैसी की बीमारियां करेगी, इसीलिए कम सरफेस टेंशन वाला ही पानी पीना चाहिए, इसीलिए लोटे का पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है, गोल कुआ का पानी पत्थर अगर खोल हो उसका पानी बहुत अच्छा माना जाता है, नदियों के पानी से कुएं का पानी अधिक अच्छा होता है।
क्योंकि नदी में बोल भी नहीं है, उससे भी पानी का फ्लो होता है। नदी का पानी हाई सस्पेंशन वाला होता है और नदी से भी ज्यादा खराब पानी समुद्र का होता है, उसका सस्पेंशन सबसे अधिक होता है। अगर बरगद में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर धरती आता है, मतलब सभी बूंदे गोल हो गई क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास की बजाय पानी लोटे में पिए तो लोटा ये घर में लाए, गिलास का प्रयोग बंद कर दे। जब से आपने लोटे का थोड़ा लोटे को छोड़ा है, तब से भारत में लोटे बनाने वाले कारीगरों के रोजी रोटी खत्म हो गई, गाँव गाँव के कसेरे से कम हो गए, वो पीपल और कासक के लोटे बनाते थे, सब इस गिलास घर में भूखे मर गए। तो वो बाघ भट्टी जी की बात माने और लोटे को आप छुड़ाइए और बीमारियों से बचे रहे। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर।